नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। आज जिस कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनके बारे में खास बात यह है कि आप रियलिटी शोज की बात करें, आप फोक संगीत की बात करें, सूफी संगीत की बात करें या गजलों की बात करें, हर जगह है उनका समान अधिकार। और मैं बेहद विनम्रता से आमंत्रित कर रहा हूँ बेहद गुनी बेहद युवा मिरांदे शाह को। थैंक यू सो मच मिरांदे। हम अपने इंटरव्यू की शुरुआत हमेशा से एक रवायत रही है कि किसी भक्ति संगीत की रचना से शुरू करते हैं और उसके बाद कलाकार से बातचीत करते हैं, उसकी जिंदगी को समझते हैं, उसके सफर को जानते हैं। तो आपसे भी यही गुजारिश होगी कि पहले कोई भजन और उसके बाद बातचीत। जी ऑफ कोर्स, पहले शुरुआत भजन से ही करेंगे रवायत के हिसाब से। ये भजन जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने अपने गुरु श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती जी से सीखा है। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये। हमारो प्रणाम माँ के बिहारी को, हमारो प्रणाम। माँ के बिहारी को हमारो चाहेंगे कि जब कोई इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है कि आप सूफी हो, उसके अलावा भजन हो, उसके अलावा गजलें हो, उसके अलावा फोक हो, रियलिटी शोज हो, ये जो एक एक वर्सटाइल सिंगर की जो इमेज बन रही है आपकी बहुत मजबूती से प्रोमिनेंटली, इस पर जो आपको लोग जब आपकी तारीफ करते हैं, वाहवाही करते हैं, तो कैसा फील होता है अंदर से? और अच्छा ही लगता होगा जाहिर सी बात है, लेकिन क्या जिम्मेदारी बढ़ती है? जी ऑफ कोर्स शिवेंद्र जी, जिम्मेदारी तो है, क्योंकि चाहे वो ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, फोक, गजलें, सूफी, कोई भी प्रकार का म्यूजिक हो, दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिकल जॉनरस, बट हर एक का एक अलग न्यूआंस है, हर एक का एक अलग वॉइस थ्रो है, हर एक की इम्प्रोवाइजेशन स्टाइल अलग है, छोटी छोटी इंट्रिकसीज, ऑर्नामेंटेशंस अलग हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ के गाना बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर जॉनर दैट यू आर सिंगिंग।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक चाह भी है कि हर एक प्रकार का हिंदुस्तानी संगीत गाना है मुझे. और सो या इट्स डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द विल. मिरांडा, आपके बचपन में चलते हैं और शुरुआत करते हैं आपके गुरुओं से. तो दो चीजें मैंने पाई हैं हमेशा जब किसी कलाकार के सफर को जानने की कोशिश की है, कि एक तो वो शुरुआती गुरु होते हैं जो बेसिक चीजें सिखाते हैं और आपके आपके अंदर एक संयम पैदा करते हैं, एक संस्कार पैदा करते हैं, और फिर कलाकार उसके बाद की शिक्षा के लिए और आगे जाता है. तो आपके जो शुरुआती गुरु रहे, आपके संगीत सफर के जो शुरुआती गुरु रहे, चाहे वो नयन जी हों चाहे वो अनिकेत जी हों, उनके बारे में थोड़ा बताइए. जी डेफिनेटली, मेरे शुरुआती गुरु श्री नयन पंचाल और श्री अनिकेत खांडेकर, दोनों से ही मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत जुड़ी हुई हूँ. एंड एक होता ना, जैसे एज यू राइटली सेड कि उन्होंने मेरा फाउंडेशन बनाया है. मैं कुछ नहीं जानती थी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, एंड दे वर द वंस हु शोड मी द लाइट एज टू व्हाट इज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कैसे गाया जाता है, क्या होता है उसमें, तो राग क्या है, रागदारी क्या है, ये सब समझ मेरी जो फाउंडेशंस माय बेसिक्स वर गिवन बाय देम. और यू नो आई एम सो ब्लेस्ड कि बोथ ऑफ देम वर एक्सट्रीमली पेशेंट विथ मी एज टीचर्स एंड गुरुज. एंड मैंने काफ़ी बार, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नयन सर से तो यू नो थोड़ा सा you know, I've really tested his patience, because मैं तब swimming करती थी, I was a national level swimmer, तो बहुत rigorous routine रहता था मेरा तब, और music class was more like a extra activity, you know, तो ऐसा लगता था कि music class को जल्दी से ख़त्म करके swimming के लिए भाग जाऊँ. So he was extremely, extremely patient with me, I was of course very young back then, उसके बाद तो उनका बड़प्पन ये है कि एक समय के बाद उन्होंने ही मुझे श्री अनिकेत खांडेकर जी के पास भेजा, ये कह के कि अब तुम्हें थोड़ा सा एडवांस लेवल का म्यूजिक सीखने की जरूरत है. सो ही वॉज द वन हु गाइडेड मी टू मूव फॉरवर्ड. एंड अनिकेत सर से मैंने मेरा विशारद म्यूजिक का डिग्री लिया, और मतलब मैंने विशारद कंप्लीट किया उनके साथ. अच्छा, आपने गंधर्व महाविद्यालय से भी शिक्षा ली है, तो इसका मकसद क्या था? दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये लगा हो कि अगर संगीत में हमें प्रोफेशनल करियर बनाना है तो कुछ डिग्री की जरूरत है, डिग्री शब्द मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है यहाँ पर, और या फिर आपको लगा कि नहीं, गंधर्व महाविद्यालय से जुड़कर आपको नया कुछ जानने को मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा, क्या सोच थी उसके पीछे की? गंधर्व महाविद्यालय से जुड़ने का मकसद मेरा एक्चुअली डिग्री कभी नहीं था. मुझे, माय मदर इज अ संगीत विशारद, तो उन्होंने जब ये सीखा था परंपरागत म्यूजिक, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये म्यूजिक सीखने से, ये एग्जाम्स देने से, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट यू नो द थियोरी ऑफ म्यूजिक, और राग की पकड़ क्या है, राग का गायन समय क्या है, राग का वादी संवादी स्वर क्या है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो यू नो थियोरी में आती है, म्यूजिक थियोरी में आती, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक थियोरी में आती है, वो आपको इन एग्जाम्स को देने से ज़्यादा समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा, एक प्रॉपर सिलेबस होगा जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा. सो आई थिंक दैट वाज मोर ऑफ इंटेंशन टू गो इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर ऑफ लर्निंग रादर देन गेटिंग द डिग्री एंड यू नो फॉर अ पर्पस ऑफ जॉब इन द फ्यूचर. मतलब वो कभी मेरा इंटेंशन नहीं था और अभी भी नहीं है, बिकॉज आई थिंक आई एंजॉय परफॉर्मिंग, आई एंजॉय सिंगिंग ऑन स्टेज मोर. सो मिरांडा, आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो जो बहुत बड़े नाम हैं, पंडित अजय पोहनकर जी और उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, इन दोनों से भी तालीम ली है. उस तालीम की क्या खास बातें थीं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, जो आपको लगा कि हाँ, ये बड़े गुरु से सीखने का जो एक एक अलग अनुभव होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में बताइए. जी बिल्कुल, कोइंसिडेंटली पंडित जी और उस्ताद जी दोनों मेरे लाइफ में एक ही समय पे आए, और पंडित जी से मैं ठुमरियां और रागदारी सीख रही थी, और उस्ताद जी से गजलें और सूफी म्यूजिक की तालीम ले रही थी. हालांकि उनसे
बहुत लंबा सीखने को नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, पर बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा है लर्निंग फ्रॉम बोथ ऑफ देम, बिकॉज एक होता है कि यू नो गुरु आपको सिखा रहे हैं और एक होता है कि गुरु आपके संगीत को समझ कर आपको सिखा रहे हैं. तो विथ देम बोथ ऑफ देम अंडरस्टूड माई म्यूजिक, मेरा वॉइस, मैं मेरी गले की फिरत को समझ के उन्होंने मुझे गाना सिखाया है एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी. और एक होता है ना कि आप दूध तो ऑलरेडी हो, आपका फाउंडेशन, आपके बेसिक्स क्लियर है, आपने वो पढ़ाई की है, बट उसमें जो मलाई डालने का काम है वो ऐसे दिग्गज गुरुओं का ही मतलब कमाल है. दे गिव यू दैट फिनिश, एक यू नो दे सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड. आपके गाने को वो एक नीश, सिल्वर लाइनिंग देना जानते हैं. सो आई थिंक दैट हैज बीन द मोस्ट इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस लर्निंग विद दीज बोथ लेजेंडरी गुरुज, कि मेरे म्यूजिक को उन्होंने काफी निखारा है. आगे बढ़ने से पहले मिरांदे यही गुजारिश करेंगे कि कोई ठुमरी हो जाए, क्योंकि फोक का जिक्र भी किया था हमने, और अजय पोहनकर जी या इकबाल जी, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब से जो आपने सीखा है उसमें से कोई चीज खास जो फोक से जुड़ी हुई हो, ठुमरी से जुड़ी हुई हो, या जो भी आपकी इच्छा करे. जी जरूर, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल ठुमरी गाना चाहूंगी जो कि मैंने पंडित अजय पोहनकर जी से सीखी है. नैना मोरे तरस के ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें. इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा. आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं.
हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।